देश दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर ने लोगों को फिर से गंभीर चिंता में डाल दिया है और शासन प्रशासन लगातार लोगों से सावधान रहने, शासकीय नियमों का पालन करने सहित टीकाकरण पर जोर दे रहा है। वहीं टीकाकरण अभियान में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को कई जगहों पर लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है और अभद्रता भी सहनी पड़ती है। ताज़ा मामला 14 जनवरी का है, जहाँ सरदारपुर तहसील के ग्राम पसौदा में वैक्सीन लगाने पहुँची टीम के साथ दो लोगों द्वारा अभद्रता की गई, साथ ही अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट का भी प्रयास किया गया। टीकाकरण टीम की सुनीता सोलंकी, ANM ममता डावर, राधा डोडिया, कौशल्या शर्मा, मनीरा अग्रवाल, यशस्वी ग्रेवाल, प्रकाश मकवाना, करण सिंह चौहान, वंदना मोहनिया, सीमा बामनिया, आशा वैष्णव, रजनी जोशी द्वारा बताया गया कि संग्राम पिता नंदराम एवं मांगीलाल पिता नारायण दो लोगों ने आकर टीम के साथ गाली गलौज करते हुए लठ से हमला कर मारने का प्रयास किया। इस दौरान टीम को पीछे हटना पड़ा और तुरंत सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CBMO डॉक्टर शीला मुजालदा को सूचित किया गया, जिस पर CBMO सहित SDM BS कलेश, सरदारपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंचे। आला अधिकारियों पुलिस को आता देख विवाद कर रहे दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए, जिन्हें SDM ने हर हाल में पकड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टीकाकरण करने के टीम के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर सभी अधिकारियों ने चिंता जताई एवं क्षेत्रवासियों को समझाइश भी दी कि टीकाकरण आपको बीमारी से बचाने के लिए है, आप सभी सहयोग करें। वहीं पुलिस विवाद करने वाले दोनों आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कितनी ठंड पड़ रही है आप लोगों के लिए, आते चलो इनको टीका लग जाएगा। ये गाड़ी।